अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। विधायक, जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक एवं महापौर की उपस्थिति में मिट्टी के गणेश कार्यशाला का समापन। विधायक राजे ने बनाई 551वीं प्रतिमा। मेरे गणेश मिट्टी के गणेश प्रतिमा निर्माण कार्यशाला के अंतिम दिवस देवास जिलाधीश ऋषभ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय की उपस्थिति में मिट्टी की गणेश प्रतिमा निर्माण कार्यशाला का समापन हुआ। विधायक गायत्री राजे पवार ने 551वीं गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण कर इस वर्ष के लिए मेरे गणेश मिट्टी के गणेश कार्यशाला को विराम दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम सभी को इको फ्रेंडली जीवन पद्धति अपनाना चाहिए। पर्यावरण असंतुलन से मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, समय से वर्षा नहीं हो रही है। ऐसे समय में पर्यावरण की ओर सकारात्मक कदम बढ़ाता यह कार्यक्रम अपने आपने में महत्वपूर्ण होकर समाज हित में अच्छा कार्य कर रहा है। महापौर गीता अग्रवाल ने भी अपने हाथों से प्रतिमा का निर्माण किया। अंतिम दिवस जेम्स एकेडमी स्कूल में देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कार्यशाला का निरीक्षण कर संयोजिका ऋचा आदित्य दुबे से मिट्टी लाने से लेकर प्रतिमा निर्माण, कलर श्रृंगार कर वितरण व्यवस्था व प्रशिक्षण संबंधित समस्त जानकारी ली एवं पर्यावरण हित के इस कार्य को सराहा। जिसके पूर्व देवास पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने कार्यशाला पर उपस्थित होकर गणेश जी का पूजन कर मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण किया व निर्मित प्रतिमाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि मिट्टी की गणेश प्रतिमा की स्थापना से हमारे जलाशय प्रदूषित होने से बचेंगे, यह कार्य पर्यावरण और समाज हित में है। अंतिम दिवस देवास के वरिष्ठ पत्रकार आदर्श ठाकुर व सौरभ सचान ने भी कुछ ही मिनटों में गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा का निर्माण किया। विधायक प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल व भरत चौधरी द्वारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर बड़े स्तर तक पहुंचाने हेतु हर संभव सहायता के लिए संयोजक आदित्य दुबे को आश्वस्त किया। दुबे परिवार द्वारा सभी अतिथियों का रुद्राक्ष माला व गंगा जल भेंट कर स्वागत किया गया। संयोजक आदित्य दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिमा निर्माण कार्यशाला को इस वर्ष के लिए विराम दिया गया है। अब आगामी गणेश उत्सव तक श्रृंगार कार्यशाला व प्रतिमा वितरण का कार्य जारी रहेगा, जिसके अंतर्गत जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पत्रकारों, वरिष्ठजनों, प्रतिमा निर्माण करने वाले लोगों व जरूरतमंद आमजन को निःशुल्क वितरण किया जाएगा। अंतिम दिवस यशोदा शर्मा, विनीता व्यास, गणेश पटेल, राजेंद्र ठाकुर, कीना राठौर, प्रतिभा प्रसाद, रेणु शर्मा, प्रतिभा शर्मा, सपना पाठक, अभिलाषा शर्मा व कार्यक्रम सहयोगी आद्या दुबे, आर्यमन दुबे, मानसी चौहान, हर्षिका सोलंकी, श्वेता सोलंकी, संजना सूरज उपस्थित रहे। आदित्य दुबे जी और उनके परिवार द्वारा यह 7 वर्ष से जो कार्यशाला होती है मिट्टी के गणेश बनाने की, ये लोगों को बहुत ही प्रेरित करती है कि सिंथेटिक फॉर्म के गणेश ना बनाएं, पर्यावरण फ्रेंडली गणेश जी बनाएं। धार्मिक आस्था भी उससे जुड़ी रहती है और पर्यावरण का ध्यान भी रखते हैं। तो इस बहुत ही अच्छे कार्य में हमेशा से सहभागिता देने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इस कार्यशाला में आएँ। आज मैं आई थी, हम लोगों ने एक एक गणेश जी भी बनाए हैं। कार्यशाला है वो अपने आप में एक मैसेज है कि पर्यावरण का ध्यान रखें, क्योंकि पर्यावरण ही हमें परवरिश हमारी करता है, यही हमें ऑक्सीजन देता है, यही हमारे लिए एक सुखद वातावरण करता है। पर्यावरण का ध्यान कुछ सालों से नहीं हुआ है और उसी के कारण बारिश नहीं हो रही है, हमारे बहुत सारे जो सीजन्स थे वो सब उल्टे पुल्टे हो गए हैं। पर इसमें और ज़्यादा खराबी ना हो इसके पर्यावरण की तरफ हमें ध्यान देना ही पड़ेगा और इसके तरफ कदम उठा रहे हैं आदित्य दुबे जी, रिक्षा दुबे जी, उसका हम बहुत बहुत सराहनीय कदम है। मैं इसकी सराहना करने के लिए आज इस कार्यशाला में।